नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जो आप पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की टोटल न्यूज से खास बातचीत, पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है दुष्यंत चौटाला ने, तो हम निशान सिंह के संपर्क में है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया जहां निशान सिंह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, कमलेश सैनी ने सामाजिक दबाव में जेजेपी छोड़ी है, जेजेपी का प्राथमिक का सदस्य भी नहीं था मीनू बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बातचीत की टोटल न्यूज ने। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हैं। दुष्यंत जी, गठबंधन से तो अलग हुए लेकिन आप खुद की पार्टी में बड़े विपरीत हालात का सामना करना पड़ा है। प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह खुद अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। मेरे पास भी आप जैसे साथियों के बदौलत ये खबर आई है, उन्होंने कई टेलीफोनिकली रेजिग्नेशन की बात करी है। औपचारिक रेजिग्नेशन पार्टी के पास नहीं आया है, हम संपर्क में हैं, क्या उनके मन में है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो निर्णय कर रहे हैं उस पर वो पूर्ण विचार करे, नहीं तो ये तो पॉलिटिक्स है। और मैंने तो विधानसभा में आज से 3 महीने पहले कहा था, मौसम आ रहा है, लोग आएंगे भी जाएंगे भी। और एक कहावत है कि बाद इन विपरीत हवाओं से ना घबरा, ये हवाएं हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। मुझे लगता है कि विपरीत हवाएं हैं और इसके अंदर मेहनत करेंगे तो और अच्छी मुकाम पर ले जाएंगे संगठन को। संगठन में बहुत साथी आए भी हैं, गए भी हैं, और इतिहास उठाकर देखे तो जब 1967 के चुनाव में चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, 67 में वो लड़े हारे, 72 में लड़े हारे, और 70 के अंदर उनको लोगों ने सराखों पर बिठाया। तो आज ये कहना कि कोई निर्णय ले रहा है, ये तो इलेक्शन मोड है। बहुत से लोग हमारे साथ भी जुड़ेंगे और बहुत से लोग हमें छोड़कर भी जाएंगे। नगर परिषद चेयरमैन आप ही की पार्टी की हैं, नारनौल से कमलेश सैनी, वो भी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। उनसे मेरा चर्चा भी हुई थी और जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनने मेरे को टेलीफोनिकली कहा था कि मेरे पे सामाजिक प्रेशर बहुत है। राजनीतिक सोच और सामाजिक सोच का अंतर मुझे लगता है कि वो अपने पॉलिटिकल जीवन में समझ नहीं पाए, और उन्हें अगर निर्णय लिया है तो मैं उनको उस निर्णय के लिए शुभकामनाएं। अंदर का तूफान काफी ज्यादा है, संभालना मुश्किल होगा। आप लूडो खेले? आप जब लूडो की डाइस फेंकते हैं तो हमेशा 6 लाने की सोचते हैं, एक आता है तो भी चलना पड़ता है ना, 0 तो नहीं आता, जीवन है। मुझे लगता है संघर्ष जब हम कहते हैं तो जीवन का एक पहलू है और उसको हम किस भांति लेके चलेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने तो हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो या चौधरी देवीलाल जी के विचारों से हमेशा सीखा है, संघर्ष के पथ पे रहोगे तो कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे। आपकी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी मीनू बेनीवाल की, वो भी अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी के सदस्य तो नहीं थे, अब 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कब तक आप लोग कर रहे हैं? नवरात्रों का पार्टी ने फैसला लिया, नवरात्रों में। चलिए साफ तौर से ये कहने की कोशिश दुष्यंत चौटाला की तरफ से की जा रही है कि विपरीत हालात है, लेकिन विपरीत हालात में भी वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश राजनीति में करते रहेंगे। और निशान सिंह को लेकर जो है तमाम विस्तृत जानकारी यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, और आगे की भविष्य की राजनीति में किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे इसका जिक्र भी दुष्यंत चौटाला ने किया है। सोनी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी, हिसार।